Hi everyone, and hello and welcome to Amul Facebook Live. Hello everyone, and thank you everyone for joining. आज की हमारी रेसिपी है दाल और ज्वार का डोडा. ये एक सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो स्टार्ट करें बनाना. सबसे पहले दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मूंग की ग्रीन वाली जो दाल होती है, ये मूंग के छिलके वाली दाल. साथ में लिया है मैंने चना दाल और लिया है मैंने उड़द की धुली दाल. तो ये 3:2:1 रेशो में लेना है. हमने 3 टेबलस्पून ग्रीन दाल लेनी है, 2 टेबलस्पून चने की दाल लेनी है और 1 टेबलस्पून ये माँ की धुली दाल लेनी है. इन तीनों को हम मिक्स कर देंगे और इस तरीके से मिक्स कर देंगे और ये इस तरीके की दाल हो जाएगी. इसको हम 1/2 आवर के लिए भिगो देंगे, वॉश करेंगे अच्छे से और एक प्रेशर कुकर लेके उसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, जीरा डालेंगे, पानी डालेंगे और साथ में डालेंगे हम चॉप्ड टमेटोज और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप्ड. ये सब डालकर और उसके बाद दाल डालकर नमक और सॉल्ट डालकर मैंने प्रेशर कुक करके ऑलरेडी रख लिया है. तो स्टार्ट करेंगे इसके बाद का प्रोसेस. ये दाल मैंने कुक कर ली है तो हम दाल को खोल लेते हैं. बिकॉज लाइव में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम दाल का कुक होने का वेट कर सके. तो ये इस तरीके से दाल हमारी बन जाएगी. आप देखेंगे इस तरीके से दाल रेडी है. जो चने की दाल है वो आपको खड़ी खड़ी दिख रही होगी. इस तरीके से हम बनाएंगे ये वाली दाल और फिर इसके ऊपर हम एक सेकंड तड़का लगाएंगे. उसको हम लगाएंगे बाद में. तब तक हम ज्वार के डोडे का जो आटा है वो लगा लेते हैं. तो यहां पर मैंने लिया है ज्वार का आटा. इसमें ऐड करूंगी मैं ये ज्वार का आटा हम लगा लेंगे. तो यहां पर ये मैंने 1.5 कप ज्वार का आटा लिया है. इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ये चॉप्ड गार्लिक है मेरे पास, जो फ्रेश ग्रीन गार्लिक आती है वो डाल दूंगी मैं इसमें. साथ में डालेंगे हम चॉप्ड अनियन 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स, ये धनिया चॉप्ड, ये डालेंगे हम. साथ में ऐड करेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट और इसमें ऐड करूंगी मैं अमूल घी 1 चम्मच अमूल घी और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे. और अच्छे से मिक्स करना है जैसे ये आटा हमारा क्रम्बली हो जाए. तो आप देखेंगे जो घी है वो मैंने अच्छे से इसमें मिला दिया है मोयन की तरह. और अब मैं इसको गूंदूंगी इस आटे को.
अब पानी लेकर मैं इसे गूंद लूंगी। और एक सेमी सॉफ्ट आटा गूंदेंगे हम। आज हम बना रहे हैं दाल विद जवार का डोडा। ये एक सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है और विंटर्स में बनाई जाती है और फ्रेश ग्रीन गार्लिक का इसमें यूज होता है। थैंक यू सुजीत जी। एंड तो इस तरीके का हमें एक आटा लगाना है। आप देखेंगे ये ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है हमें इस तरीके से, इस तरीके का। आपको दिखाऊं मैं ये टेक्सचर, इस तरीके का हमें आटा लगा लेना है। तो जब तक ये आटा इसको हम रखते हैं और बनाएंगे इससे जवार का डोडा, तो ये आटा हमारा लग गया है। आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका। मैं हाथ क्लीन करके आती हूँ। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं इंडक्शन ले लेती हूँ, पैन आगे कर देती हूँ। अब इसको बनाने के लिए हम हैंड्स का यूज करेंगे और एक बोल में मैं लूंगी पानी और इस तरीके से हम छोटे छोटे राउंड बॉल्स निकाल लेंगे और हाथों की हेल्प से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ मैं छोटे छोटे साइज की बना रही हूँ। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप किसी सेलोफेन शीट का यूज करके इसको बहुत थोड़ा बड़ा साइज में बना सकते हैं, बिकॉज इसको बेलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो इसको मैं छोटा ही बना रही हूँ। छोटा जितना हमारे हैंड में हम इजीली इसको रोल कर ले। इस तरीके से बन गया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं डालूंगी घी और इसको डाल देंगे हम बन गए। और थोड़ा फिंगर्स को गीला करके हैंड को पानी में डाल के, लाइक देखेंगे आप, मैं ऐसे पानी में हाथ डाल दी और इसको थोड़ा थोड़ा फैला लूंगी। और जैसे जैसे थोड़ा अगर टूटता है तो उसको उसी टाइम जोड़ देंगे। तो ये काफी हाथ से ही मैंने पतला कर लिया है, और पतला करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम जवार का डोडा बनाएंगे। थोड़ा पक जाने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, जल्दी नहीं करनी है हमें।
थोड़ा थोड़ा घी डालूंगी मैं साइड्स में। और गोल्डन होने तक दोनों साइड से हमें इसे पका लेना है। हेलो निश्री जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ हमने बनाया है जवार का डोडा। ये एक ट्रेडिशनल सिंधी रेसिपी है जो हम लोगों के यहाँ विंटर्स में बनाई जाती है, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको ग्रीन गार्लिक के साथ बनाया जाता है, जवार के आटा, प्याज, हरा लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च और घी मिलाकर पानी के साथ आटा गूंदा जाता है, नमक डालकर, और इस तरीके से जवार की हम एक रोटी बनाते हैं जिसको कहते हैं डोडा। और अच्छी तरह से इसको हम गोल्डन सेक लेंगे दोनों साइड से। आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। मैं एक और बेल लेती हूँ, लाइक हमें हैंड्स की हेल्प से ही बनाना है इसको। बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आप इसको आप दही के साथ, चटनी के साथ और दाल के साथ, और एक हम बनाते हैं साई भाजी या साग, उसके साथ भी इसको सर्व किया जाता है इस डोडे को। तो ये अब अच्छे से सिक गया है और इसको मैं उतार लूंगी एक प्लेट पे। देखेंगे कितना ब्यूटीफुल इसमें कलर आ गया है। थोड़ा सा पानी लेकर थोड़ा सा पतला कर लूंगी। थोड़ा सा क्रैक होता है ये, लेकिन आप ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा। और छोटे छोटे बनाते हैं तो बहुत इजीली बन जाते हैं, थोड़े बड़े साइज के बनाने में डिफिकल्टी होती है, बट अगर आप स्मॉल साइज में बनाएंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। और व्हाट बेटर देन अमूल घी, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल काऊ घी, जिससे ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और प्योर घी से बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। कई लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, तो मैंने आज यहाँ पर टमाटर का यूज नहीं किया है। लाइक जैसे हमने इसमें चॉप करके हरा लहसुन डाला, तो साथ में थोड़ा सा चॉप करा हुआ टमाटर भी डाला जाता है। तो दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं टमाटर का यूज नहीं करती हूँ डोडा में बनाने में, मैं अनियन यूज करती हूँ। तो इस तरीके से हमें बनाना है, आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस होता है ये।
और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए, जैसे ये अंदर से कच्चा ना रहे, जो आटा है वो अच्छे से पक जाना चाहिए, तो थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसको अच्छे से सब तरीके सब तरफ से इसको सेक लेंगे। तो आप देखेंगे ये जो डोडा है ये रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम दाल को देंगे तड़का। दाल हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी है, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे हम अमूल घी। पैन में थोड़ा पानी है, तो आई जस्ट रिमूव। आई होप आपको आज की रेसिपी क्लियर हो गई होगी, ये डोडा की और दाल की। वेरी इजी, वेरी सिंपल दाल की रेसिपी। बस अब हम इसमें डालेंगे सेकंड तड़का। मैं रिपीट कर देती हूँ दाल की रेसिपी। ये मैंने 3 दालों को मिक्स किया है, मूंग की दाल, चने की दाल और उड़द की धुली दाल। इसको हमने 3:2:1 रेशियो में लिया है। 3 टेबलस्पून हमने ग्रीन दाल ली है, 2 टेबलस्पून हमने चना की दाल ली है और 1 टेबलस्पून हमने मां की धुली दाल ली है। इसको हमने आधा घंटा सोक करके वॉश कर लेना है अच्छे से। एक प्रेशर कुकर में हमने घी डालना है, जीरा डालना है, पानी डालना है और टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, मैं सब कुछ इकट्ठा चॉप कर लेती हूँ और उसको डालकर प्रेशर कुक कर लेती हूँ सॉल्ट और हल्दी डाल के। तो ये इस तरीके से हमारी दाल बन जाती है। और उसके बाद हम इसको देंगे एक सेकेंड तड़का। तो यहाँ पर पैन में मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी देगी मिर्च। यहाँ पर मैं देगी मिर्च का यूज कर रही हूँ और हम डाल देंगे इसमें दाल। दाल हमारी ऑलरेडी कुक्ड है, बस हमें इसको तड़का ही लगाना था और ये हमारी जो दाल है इस तरीके से रेडी हुई है। बहुत ही डिलिशियस होती है ये दाल, बहुत सिंपल और इजी है मगर खाने में उतनी ही टेस्टी है। साथ में गार्निश करेंगे हम इसको ग्रीन धनिया के साथ और इसको मिक्स कर देंगे। और ये हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैंने जवार के डोडे रेडी कर दिए हैं, ये स्मॉल साइजेस में बनाए हैं मैंने और इसको सर्व करेंगे हम इस दाल के साथ। जिन जिन्होंने ये टेस्ट ना किया वो लोग जरूर बनाएं और ट्राई करें, बहुत ही डिलिशियस होती है ये रेसिपी। तो ये यहाँ हमारी ये जो रेसिपी है ये रेडी, ये जो डिश है हमारी रेडी है, जवार का डोडा विद दाल। और इसका टेक्सचर मैं दिखा देती हूँ आपको, तोड़ के इस तरीके से रहता है। अच्छी तरह से अंदर से सिक जाता है। आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब
तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड बाय एवरीवन. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा. और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.